हे एवरी वन असलैक्म वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ ड्रेसेस ये मैक्सी ड्रेसेस हैं और फ्रॉक स्टाइल भी हैं तो डिफरेंट तरह की ड्रेसेस हैं इनके साथ स्टाइलिंग किस तरह से करनी चाहिए क्या क्या ज्वेलरी और किस तरह की जो है वो चीज़ें इसके साथ होनी चाहिए तो वो भी मैं सारी आपको इन डिटेल सारा कुछ बताऊँगी इन ड्रेसेस के बारे में तो वन बाय वन जो है हर ड्रेस को स्टार्ट करेंगे और उसके साथ किस तरह की स्टाइलिंग हो तो वो भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी तो आ जाते हैं अपने पहले आउटफिट पर यह है जी सी ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा पल्स का फ्रॉक है ये फ्रॉक स्टाइल है और इस पर सारा जो है वो पल्स का और इस तरह के मोती का, का काम किया हुआ है और बहुत ही यानी कि ये अच्छा और नफासत से काम किया हुआ है ऐसा काम नहीं है कि ये उखड़ जाए इसके फुल जो है ऊपर मैक्सी का इस तरह से स्टाइल बना हुआ है पूरी जो है इसका फ्रंट साइड कुछ इस तरह से है और नीचे जो है वो नेट की इस तरह से खुली हुई सी फ्रॉक है कैन कैन लगी हुई है और नीचे जो है वो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर कलर की पाइपिंग की हुई है और ये ड्रेस जो है वो आप किसी भी बर्थडे पार्टी पर पहन सकते हैं और मैंने जो है ये ड्रेस बर्थडे पार्टी पर ही पहना था और बहुत ही इसके साथ लाइट सा सॉफ़्ट सा मेकअप किया था और बहुत ही अच्छी एक लुक आई अब जो है इसके साथ मैं स्टाइलिंग आप लोगों को बता दूं तो इसके साथ ये जैसे ही पल्स का काम किया हुआ है तो साथ हल्का सा नेकलेस लेना है वो भी इस तरह का पर्ल्स का होगा छोटे छुट छोटे से पीच कलर के जो हैं वो टॉप्स होने चाहिए और साथ में इस तरह की जो है वो बैंगल्स ले ली हैं और हल्का सा टेंट यूज़ करना है और जो है वो चीख पर आप लोग इस तरह का जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की स्टाइलिंग करने से एक बहुत ही अच्छी सी और फ्रेश खूबसूरत सी लुक आएगी ओके okay जी इसके बाद आ जाते हैं सेकंड आउटफिट पर ये भी फुल मैक्सी फ्रॉक है और जो है ब्लू कलर का इस पर गोल्डन कलर का, का काम है साथ में जो है ये नेकलेस ले लिया है फुल और जी इस तरह का क्राउन आप लोग ले सकते हैं बहुत ही अच्छा डिसेंट सा ये इसका दुपट्टा भी काफ़ी हैवी था और साइड पर जो है बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगी हुई थी और जो है इस फ्रॉक का घेराव बहुत ही ज़्यादा है नीचे इस तरह की पाइपिंग की हुई है और साथ में जो है वो आप गोल्डन कलर के शूज़ ले लें यहाँ जो है वो इसका फ्रंट साइड और गोल्डन कलर में बना हुआ है नीचे जो है वो इसका घेराव जो है वो ब्लू कलर के कुछ इस तरह की स्टाइलिंग में है तो ब्लू कलर जो है वो काफ़ी आपको एट्रैक्टिव करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके साथ किस तरह की स्टाइलिंग हो सकती है तो वो भी मैंने आप लोग को दिखा दी कि आप कैसे करें अब चलते हैं जी नेक्स्ट आउटफिट पर वो भी ब्लू कलर का है अच्छा ये क्योंकि फ़्रॉक नहीं है ये शर्ट स्टाइल है तो इसके साथ मैंने इस तरह के शूज़ लिए हाई हील में और साथ जो है ये गोल्ड की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है तो तो वो आप पहन सकते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह की जो है वॉच आप ले लें वो भी पहन सकते हैं और झुमका स्टाइल क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो हम इसके साथ कोई और हैवी सेट नहीं पहनेंगे झुमके स्टाइल में आप लोग जो है वो इसके साथ पहन सकते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त एक आउटफिट बन जाएगा अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ और ये है फ्रॉक पर्पल कलर का है इस पर जो है वो वाइट कलर का काम किया हुआ है कुछ इस तरह से नेट पर बना हुआ है इसके साथ भी मैंने कुछ स्टाइलिंग इस तरह से की है कि पल्स का नेकलेस पल्स के जो हैं वो इसके एयर होंगे और जो है इस तरह का वाइट का पल्स में जो है वो आप लोग इसका कैचर ले सकते हैं उसके अलावा अगर कोई आप लोग क्लिप लगाना चाहें तो क्लिप भी लगा सकते हैं क्योंकि इस पर इतना हैवी काम नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा और डिसेंट जो है वो इस तरह का पैच वर्क भी है और बहुत ही खूबसूरत सा है और नेट का जो है वो इसके साथ दुबट्टा था क्योंकि ये नेट पर बनी हुई है तो इसके साथ आपने इस तरह की ज्वेलरी पहनी है जो कि चुभे भी ना और ना ही ऐसे काम में वो अटके तो पल्स का जो है इसके साथ नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लगेगा और एक अच्छी डिसेंट सी लुक आएगी तो इसके साथ जो है वो मैंने स्टाइलिंग कुछ इस तरह से की है क्योंकि फ़्रॉक इस तरह का है और जी अब आ जाते हैं फाइनल ड्रेस पर ये है वाइट कलर का इस पर जो है वो रेड कलर के बीड्स का, का काम किया हुआ है और इसके साथ जो मैंने स्टाइलिंग की है वो इस तरह की कि वाइट कलर की चूड़ियाँ ली हैं साथ जो है वो शाइन में भी वाइट कलर की चूड़ियाँ ली हैं और उसके अलावा जो है इसके साथ जो मैंने नेकलेस दिया है वो बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल इस तरह का लगता है जैसे डायमंड की लुक का और।, और उस पर जो है वो रेड कलर का नग लगा हुआ है जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट कर रहा है उसके अलावा मैंने ये वाइट कलर की और भी नेकलेस और ज्वेलरी रखी है जो इसके हिसाब से अच्छी लगेगी तो वो जो है पहन लेंगे लेकिन क्योंकि इस पर जो है वो रेड कलर का, का काम है तो रेड कलर की कंट्रास्टिंग ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी तो ये थी जी आज की वीडियो होप्स आप लोग को ड्रेसेस भी और साथ की स्टाइलिंग भी पसंद आई होगी इन नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी हाफिज़